यो वेलकम गाइस। तो आज की वीडियो कुछ कमाल के माल होने वाली है, क्योंकि आफ्टर वॉचिंग अ मूवी मेरे को VFX का भूत चढ़ गया है। जैसे उसको वहाँ पे डांस का भूत चढ़ गया था, तो मेरे को इस वीडियो में VFX का भूत चढ़ गया। और मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए एक ऐप से। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर हम लोग सुबह रेडी हो गए, और कल हमारे एक दोस्त हरमन पाजी भी आए थे हमारे घर पे। ये हम लोग अब रुद्रपुर के लिए निकल रहे हैं, और काफ़ी सही स्पीड से मैं चला रहा था, क्योंकि हम लोग ने घर से ही टिकट बुक कर दी थी, तो हम उसके लिए लेट नहीं होना चाहते थे। और मूवी तो भाई एक नंबर है यार। आपको भी प्रेफर करूंगा आप सब लोग जाके या तो सिनेमा में देखें या फिर घर पे ही देखें। मतलब कुल मिला के बस थोड़ा सा दूर है, और हम लोग डायरेक्टली यहाँ से अपने सिनेमा हॉल जा रहे होंगे, क्योंकि सैटरडे इस फ्राइडे को हमारी जो मूवी है ब्रह्मास्त्र ले, क्योंकि इस फ्राइडे को हमारी एक मूवी है ब्रह्मास्त्र, जो कि शिव जी भगवान के ऊपर है और कुछ उनकी नेचुरल पावर्स के ऊपर रिलेटेड है। तो मैंने ट्रेलर ही देखा है उसका अभी तक। वैसे वो पिका शो एक ऐप जो है उसमें आ चुकी है, और वो मैं चाहे घर पर देख सकता था, पर क्योंकि घर में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती और आप छोटी सी स्क्रीन में देख रहे होते हो, तो अपने फैमिली के साथ पूरे थिएटर में बैठ के पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक खा के उसको थोड़ा अच्छा फील आता है। घर पे भी 20 रुपये में खा लेते हैं, पर कभी कभार चलता है इतना। तो बस अभी हम लोग एक जगह रुके, हम लोग को एक पापा के फ्रेंड से मिलना था पापा को, तो उसके बाद हम लोग सीधे डायरेक्टली ब्रह्मास्त्र मूवी देखने जा रहे होंगे, जिसमें रणवीर कपूर, आलिया भट्ट और साउथ के भी कुछ फेमस हीरो हैं, वो जो पैरों से तूफान उठा देते हैं, कौन से वन मैन आर्मी वाले सर, और हैं मतलब दो चार और एक्टर का भी मतलब माइनर रोल है। तो बस ट्रेलर से तो बहुत ही अच्छी लगी है मूवी, बाकी अभी हम लोग चलते हैं। और मॉम आपको क्या लग रहा है, कैसी होगी मूवी है? अच्छा ठीक है, मम्मी का रिव्यू बाद में लेंगे जब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मम्मी को मूवी समझ नहीं आती। मम्मी अपना फेवरेट एक्टर बताओ तो। अक्षय कुमार। बस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे शिव जी कॉर्नर पे, और ये प्रॉबली अपने रुद्रपुर की सब बेस्ट जूस शॉप है, जहाँ पे एक ट्रैफिक जाम नाम का जो क्या बोलते हैं शेक और कह सकते कुछ अजीब सी चीज़ मिलती है, जो कि हम आप लोग को अभी दिखाएंगे। और बस अभी अंदर चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ट्रैफिक जाम आ चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रैफिक जाम नहीं है, नॉर्मल वाटर है। बाकी ये हमारा हर बार का है कि हम लोग जब भी आते हैं तो यहाँ पे एक अच्छे से ग्लास में पानी को भी स्ट्रॉ से पीते हैं, तो ट्रैफिक जाम के लिए वेट करें थोड़ा। और मॉम ट्रैफिक जाम पी के कैसा लग रहा है आपको? ट्रैफिक जाम पी के कैसा लग रहा है? तो गाइस क्योंकि जो अपने ट्रैफिक जाम होता है वो काफ़ी मीठे एंड पे होता है, तो मीठे एंड पे होने के कारण हम लोग कुछ नमकीन आइटम लेके आ रहे हैं सामने पंजाबी बेकर्स के यहाँ से, और उसके बाद फिर जब तक ना बन जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जब तक कुछ नमकीन आइटम उठवाते हैं हम लोग। मम्मी लोग के पास ज़्यादा खुले पैसे थे नहीं, तो एक ही आइटम आया 30 रुपये का, देखने में कुछ अलग सा लग रहा था तो उठा लाया, कुछ है भी नहीं, हवा खड़ी हुई है। ट्रैफिक जाम, बाकी दो उधर भी रखे हुए, वो स्मॉल है और ये लार्ज वर्जन है। जिसका हम लोग को काफ़ी सबरी से अरे तो भाई जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था हम वहाँ आ चुके हैं, और हम लोग का ऑडी नंबर टू में हम लोग की क्या बोलते हैं मूवी है। और आफ्टर द मूवी मैं आपको अपना रिव्यू दे रहा हूँ, और बाकी बस 5-10 मिनट बचे हम लोग की मूवी स्टार्ट होने में, और इतना बैठने उठने में खड़े होने में टाइम लग ही जाता है। अच्छा, तो वॉशरूम ठीक है
तो हम लोग अपने ऑडी वाले की तरफ चलते हैं और अंदर का थोड़ा सीन शॉट दिखाते हैं आपको कैसा है आप वेव सिनेमा, और बस मिलते हैं। अरे यार यहाँ पे ये लोग महंगी महंगी आइटम चीज़ें बेचते हैं, जितने की टिकट नहीं होती उतने बिल बैठा देते हैं अगर हम लोग पॉपकॉर्न या वो लेते हैं तो। पर कोई बात नहीं, ये सब ही उसका है PVR से लेके वेव सिनेमा तक का। बाकी यहाँ पे अंदर का वो देख सकते हैं, बाकी हम भी यही मूवी ब्रह्मास्त्र मूवी देखने आए हुए हैं और इस वाले ऑडियो में हम लोग का अब हम भी फ्रेश होने गए हैं। बाकी यहाँ पे एक ये अच्छी लोकेशन है, यहाँ पर फोटो सही आती है, मतलब मैंने पहले भी खिंचवाई है यहाँ पर। और बाकी यहाँ पे हमारा एंड होता है, ये कुछ आने वाली मूवीज़ का खो दे रखा है जैसे OMG ना ब्लड। हमारा भारतवर्ष जिसका इतिहास घोर तपस्या की जिससे उन्हें प्राप्त हुआ एक वरदान, एक ब्रह्म शक्ति। जब ये धरती सर्वशक्तिशाली सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र ऋषियों ने ब्रह्मा वाइज अभी इंटर मिशन हो चुका है और अभी तक की जो भी मूवी रही है काफ़ी बेहतरीन रही है और आगे की और भी बढ़िया होने वाली है। और भाई VFX तो क्या ही यूज़ कर दिए भाई, और जो मतलब आपके एक्टर्स थे उनका भी अनएक्सपेक्टेड था कि भाई शाहरुख खान जैसी, शाहरुख खान का मेरे को नहीं लग रहा था शाहरुख खान होंगे इसमें। बाकी अभी और भी शायद मेरे ख्याल से एक दो लोग आने बाकी हैं तो हम लोग देखते हैं। और VFX तो भाई क्या ही भाई गजब हो गया भाई, ऐसा लग रहा है VFX ही करना सीख लो बस, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को VFX का तो इसका सीन। और बाकी हम लोग अभी देखते हैं, अभी इंटरमिशन के बाद और भी बढ़िया तगड़ी तगड़ी की जाने वाली होगी, तो जब तक के लिए हम पॉपकॉर्न लेके आते हैं। हम भी लुटने आ चुके हैं यहाँ पे टिकट के सारे पैसे यहीं पे जाते हैं हम लोग के, आधे से ज़्यादा टिकट के पैसे ये लोग ही ले लेते हैं। तो गाइस ये हमारा कॉम्बो आ चुका है और ये मेरे को कुछ 220 के करीब का पड़ा और सस्ता लग रहा है आज तो, नहीं तो और दिन तो ऐसा लगता कितना लूट वूट लिया अपने को। पर कोई ना, अब हम इसको लेके चलते हैं अंदर की तरफ। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी सारी भीड़ आ रही है, ये सब लोग थिएटर से ही आ रहे हैं। और भाई मूवी तो एक नंबर की, कुछ भी कह लो VFX ने भाई आग ही लगा दी भाई, खतरनाक है। पार्ट 2 देवा अब आएगा, उसके लिए हम लोग बहुत वेट करेंगे। मतलब सीधे ना है भाई, मतलब एक तरीके से खतरनाक ही था भाई VFX तो भाई VFX ने तो दिल में जगह बना ली, तो VFX के प्रति सम्मान बढ़ गया सर, खतरनाक भाई VFX खतरनाक चीज़ है भाई। कंप्यूटर साइंस छोड़ता हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब VFX करना चाहिए मतलब, अब ऐसा लगता है मैं लग रहा है मुझे। घर पे जाके सबसे पहले मैं एक VFX का कोई ऐप डाउनलोड करने वाला हूँ और कुछ ना कुछ करने वाला हूँ भाई, खतरनाक है VFX का क्या लेवल था भाई ये एक नंबर यार। तो मैं भी आप लोग सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मूवी जाके देखें, और न्यूज़पेपर में तो कुछ कुछ भी बोलते रहते हैं ठीक है, तो उसमें ना ज़्यादा देखें और ना ज़्यादा सोचें उसको, मूवी एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से होती है और उसका हमको फ़ायदा उठाना चाहिए है ना।
और ये मैं पता नहीं अलग सी लोकेशन में आ चुका हूँ। यहाँ से मतलब पूरा मॉल हमारा नीचे तक दिख रहा है। और अच्छा ऊपर ये भी लिखा हुआ है कुछ एम्बुलेंस मॉल टाइप का, और खुली हुई थी तो मैं आ गया, लेकिन यहाँ पे आना अलाउड नहीं होगा वैसे, तो कोई नहीं। आप लोग भी ना अगर जो थिएटर में नहीं थिएटर्स में नहीं आ सकते वो एक चीज़ डाउनलोड कर लेना, इसका नाम है पिकाशो। और पिकाशो ऐप बहुत ही ख़तरनाक है, उस पर ये मूवी आ चुकी है और थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो सकती है, पर आप लोग ये चीज़ देख सकते हो। और अगर जिनको नहीं पता इसके बारे में तो मैं क्या करूँगा, पिन कमेंट में या नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में अपना पिकाशो का एक लिंक दे दूँगा, जिससे आप जाके वो कर सकते हैं। या फिर मैं क्या करने वाला हूँ, उसको उस मूवी को डाउनलोड करके आपके लिए जल्दी से जल्दी पहुँचाने की कोशिश करूँगा, अगर वो पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। वैसे इन सब चीज़ों से मेरा चैनल थोड़ा वो हो सकता है, पर मैं देखूँगा, ऐसे मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ कि मैं कर ही दूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें मेरे साथ बने रहें, और अभी हम लोग रुद्रपुर से निकलेंगे फिर घर के लिए, और अभी अभी कुछ खाना पीना पेट पूजा भी करनी पड़ेगी, तो हम लोग डोमिनोज़ में जाएंगे, क्योंकि डोमिनोज़ के भाई भर भर के मेरे पास कूपन पड़े हुए हैं, एक 50% ऑफ का है, एक 30% ऑफ का है, एक कोक नेक्स्ट ऑर्डर पे, मतलब ऐसे करके एक वो पड़ा हुआ है, तो ये सब हम लोग अब ग्रैब करने वाले हैं, क्योंकि यहीं पर मिल पाएगा, क्योंकि अपने खटीमा में तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो बस अभी हम निकलते हैं डोमिनोज़ के साइड, तो वहीं मिलते हैं फिर, टाटा बाय बाय। तो गाइज़ अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं डोमिनोज पे, हमने ऑर्डर दे चुका है, 125 हमारा ऑर्डर नंबर है, और थोड़ा सा टाइम तो लेता ही है, तो बस जब तक हम वेट करेंगे वहीं बैठ के। और गाइज़ यहाँ पे हमारी एक्स मैम जो 2018 पास आउट है, उनका एक फ्रेंचाइजी चलता है बर्गर कंपनी करके, फिर ये जो बर्गर कंपनी है ये हम लोग के मैम का ही स्टार्टअप है, इसमें ज़रूर आए, अभी मैम नहीं मिल पाई, नहीं तो मैम से भी मिलवाता, और एक बार देखते हैं अगर मैम मिलती है तो तुमको मैम से भी मिलवा देंगे, बट जब तक के लिए आप लोग बने रहें। और इस पर बर्गर कंपनी मतलब ये डोमिनोज़ के बिल्कुल बगल में, और ये जो मेन मार्केट है आप लोग की रुद्रपुर में, उसी में ये डोमिनोज़ है, डोमिनोज़ के बगल में ही है, तो इसका भी चीज़ें ट्राई करें। और यहाँ पर एक जो फेमस चीज़ है ना वो कूलर पिज़्ज़ा, आज मैंने यहाँ ऑर्डर दे दिया है, और हम लोग थोड़ा लेट हैं, थोड़ा सा मतलब जल्दी में है, तो बस इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं खा रहे, नहीं तो यहाँ पे ऐसा होता नहीं हम लोग खा के ना जाएं, पर बस वही है, अब थोड़ा सा ऑर्डर यहाँ दे चुका हूँ, वहाँ पे भी टाइम लगेगा, तो फिर इतना कौन खाएगा भी वाला पार्ट है ना, तो बस यही है। तो मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ तो मैं डोमिनोज़ को प्रीफर करता हूँ बर्गर कंपनी से, क्योंकि डोमिनोज़ आप नॉर्मल खाते रहते हो, पर बर्गर कंपनी एक कुछ नई चीज़ है, तो इसको आप लोग जरूर से ट्राई करें अगर आप रुद्रपुर आ रहे हैं तो। हम लोग की मैम है, हेलो मैम, तो गाइज हम लोग अपना डोमिनोज का सामान लेके आ चुके हैं, जिसमें एक ये बर्गर कंपनी का भी हम लोग को हैम्पर मिला है, मतलब मैम जानते थे तो उन्होंने जल्दीबाजी में मतलब जो भी देना था वो दे दिया मेरे को, और बाकी आज ना डोमिनोज़ वालों की तरफ से भी हमको एक सरप्राइज़ गिफ्ट दिया गया है, जो कि 209 रुपए का एक पिज़्ज़ा है, और हम लोग ने 3 आइटम मंगाए थे पर हमको एक और चीज़ एक्स्ट्रा मिल गई, और एक ये हैम्पर मिल गया, तो हम तो बहुत ही खुश हैं, और हम लोग 3 जने हैं तो सही है, इतना खाना पीना चलता रहेगा, और फिर ऐसे कभी कभार ही मिलता है बाहर आना, तो बढ़िया ही इतना खा लेंगे हम लोग वैसे। ओके फिर आफ्टर वॉचिंग ब्रह्मास्त्र मूवी मेरे अंदर भी शिवा बनने का कीड़ा जाग गया, और मैं भी फिर शिवा जैसी शक्ति को प्राप्त कर चुका हूँ, जिसमें उसको आग से खेलने की आदत होती है, तो हम भी आग से खेलने लग गए हैं अब। और अगली पार्ट 2, क्योंकि अभी जो हम लोग ने मूवी देखी वो पार्ट 1 था, और इसके 2-3 पार्ट है, और ये 2-3 पार्ट के सीरीज में आएगी, तो अगली मूवी में मेरे को लगता है प्रमोशन मिल जाएगा, ये देखो क्या पता अगली वीडियो अगली मूवी में मैं भी आ जाऊँ रणबीर के साथ, या फिर उसका भाई भाई बन के। तब तक ले बाय।